तो चलिए आज बताते हैं कि अगर आप फोकानिया किए हैं, उर्दू लाइन से अगर आप मैट्रिक किए हैं, एंटर किए हैं, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोत्साहन राशि मिल सकता है। करना होगा सिर्फ एक छोटा सा आवेदन। किस तरह आवेदन करते हैं वो आपको बताएंगे। अगर आप मैट्रिक पास किए हैं उर्दू लाइन से या इंटर भी पास किए आप उर्दू लाइन से, फोकानिया मौलवी अगर आप किए हैं, तो आपको सरकार के द्वारा यहाँ पे आपको 15,000 का स्कॉलरशिप मिलने वाला है। बस करना होगा एक छोटा सा आपको आवेदन। तो कैसे कर पाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपका जो भी जिला होगा, ठीक, आपका जो भी जिला होगा उस जिला का नाम आपको सर्च कर लेना है। उस जिले के ऑफिशियल वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना होगा। जो भी आपका जिला होगा, बिहार की जो भी आपका जिला होगा, उस जिले के वेबसाइट जो होगा ऑफिशियल वेबसाइट, वो आपको यहाँ से ओपन कर लेंगे। मैं कोशिश करूँगा सभी जिले की वेबसाइट को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँ। तो देखिए, ये मधेपुरा जिला का जो वेबसाइट है ये ओपन हो गया। सबसे पहले आप जो वेबसाइट पे जाएंगे, अपने जिले की वेबसाइट पे, तो आप देख सकते हैं ये पटना का भी मैं वेबसाइट ओपन कर लिया, ये मधेपुरा का भी हुई। कि देख लीजिए दोनों वेबसाइट की, जो दोनों वेबसाइट का लुक है, दोनों वेबसाइट का लुक देखने में सेम है, दोनों वेबसाइट सेम। गवर्नमेंट के जितने वेबसाइट है बिहार के हर एक जिले की, सबकी वेबसाइट जो देखने में आपको सेम मिलेगी। तो आपको उसी तरह यहाँ पे नोटिस में जाना है। यहाँ पे देख लीजिए, नोटिस में जाना है, नोटिस पे जाना होगा। नोटिस पे जैसे आप क्लिक करेंगे और आपके जिला के द्वारा जितने भी नोटिफिकेशन जारी किए गए होंगे, ये सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर इसमें आपका वो नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो यहाँ पे नीचे इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको नीचे आ रहा है, और यहाँ से आपको एक नोटिफिकेशन, जिस नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो यहाँ पे दिख लीजिए, एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया था, जो कि 17/5 को जारी किया गया था, स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे देखिए इसका जो टाइटल है, यही टाइटल, सेम टाइटल आपके भी वहाँ पे रहेगा। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए रिगार्डिंग पेमेंट, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है फ्रॉम फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास है इन मौलवी इंटर फोकानिया मैट्रिक इन ईयर 2018, जो 2018 में मैट्रिक किए हैं या फोकानिया किए हैं या मौलवी किए हैं, फर्स्ट डिवीज़न पास किए हैं, जो मौलवी और फोकानिया में दोनों में फर्स्ट डिवीज़न पास किए 2018 में। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इस नोटिफिकेशन को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सभी जिले के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और यहाँ पे बता भी दिया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। मैं आपको बता भी देता हूँ, जो 2018 में मौलवी फोकानिया में प्रथम श्रेणी से पास किए, उनका लिस्ट भी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दिया गया है, उनका नाम भी दे दिया गया है, और उसमें जो कागजात लगेगा वहाँ, यहाँ पे देखिए अंक प्रमाण पत्र, मार्कशीट लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, पंजीयन लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा। याद रखिए, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, पंजीयन जो होता है वो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट को आप लेकर अपने जिला के, जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, वहाँ पे आपको जाके इस डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है आपको वहाँ पे दे देना होता है, और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी देनी होती है। वहाँ पे आपको हस्ताक्षर वगैरह करने होंगे। तो यहाँ पे इसी तरह करना, कुछ फॉर्म वगैरह नहीं लेना आपको, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट लेकर आपको जिला अल्पसंख्यक कल्याण ऑफिस में, आपके अपने जिले के ऑफिस में जाना है। उसके बाद यहाँ से इस नोटिफिकेशन, जो इसमें यहाँ पे देखिए नाम दिया गया है, रोल नंबर, मदर नेम, फादर्स नेम, मदरसा नेम, और कौन सा डिवीजन किए हैं, और कितना अमाउंट मिलेगा, वो भी यहाँ पे पूरी फोकानिया मौलवी जितनी है सभी की लिस्ट यहाँ पे दे दी गई, जो 2019 में पास किए हैं, वो सॉरी 2018 में पास किए हैं, उनके लिए यहाँ पे जो है वो दिया गया है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है, तभी आप अपने जिला के अल्पसंख्यक कल्याण ऑफिस में ये जमा कर सकते हैं।
जो मौलवी है उनको 10,000, जो मौलवी है उनको 15,000 मिलेगा, और जो फौकानिया है उनको 10,000 मिलेगा। ये ओनली फर्स्ट डिवीजन को मिलेगा, जो फर्स्ट डिवीजन के उन्हीं को मिलेगा, सेकेंड को यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई जारी नहीं किया गया है, यहाँ सिर्फ फर्स्ट डिवीजन के बारे में बताया गया। तो इसी तरह अपने जिले की नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, हम कोशिश करेंगे जिला के नोटिफिकेशन को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का। आप वहाँ से पढ़ लीजिए, अपना नाम देख लीजिएगा, अगर आपका नाम है तो आप ये भी देख लीजिए आपको कितना रुपया मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट सेम लगेगा जो मैंने आपको बताया, और इस और ये आपको जल्द से जल्द अपने जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी में जमा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। तो उसके बाद आपको कुछ दिन के बाद आपका जो ये स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।